माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी हिंदी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पोइम है भारत महिमा। महिमा मतलब गुणगान करना है, अच्छी अच्छी बातें बतानी है भारत के बारे में। तो वो जो भारत के बारे में बताया गया इस पोइम में, वही मैं बताने जा रहा हूँ। पोइम भारत महिमा, तो इसमें इंडिया के बारे में ही बताया जा रहा है, भारत के बारे में बताया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। यहाँ बता रही है कि सूर्य जो आ रहा है, सूर्य क्या कर रहा है यहाँ पर, हिमालय के आगे से पूरा भारत आ जाता है, पूरा मतलब प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो बोल रहे हैं जब सूरज उग रहा है तो वो जो अपनी सनरेज है वो लेकर आ रहा है इंडिया में। देखते हो ना, पहाड़ों में से सूर्य उगता हुआ दिखाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का उपहार, मतलब सन जो आ रहा है वो एज अ गिफ्ट रेज लेकर आ रहा है, सन रेज आ रहा है। और फिर उषा ने हंस अभिनंदन किया। अभिनंदन मतलब वेलकम किया, स्वागत किया। किसने किया? मॉर्निंग ने। मॉर्निंग ने भी इंडिया का वेलकम किया और पहनाया हीरक हार, और इसे हीरक हार पहनाया। हीरक हार मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उसकी वजह से होती हैं, लेकिन वैसे आप पोइट का मीनिंग है कि सुबह सुबह अगर आप देखोगे तो ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं इंग्लिश में, ओस की बूंदें होती हैं जो घास के ऊपर, ड्यू ड्रॉप्स। तो जब सन रेज उसके ऊपर गिरती हैं तो वो चमकती है हीरे की तरह, तो वैसा। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा और दो मीनिंग होते हैं पोइम के, ऊपर का मीनिंग और एक अंदर का, तो वो भी मैं बताते चलता हूँ साथ में। तो यहाँ सन ने आके वेलकम कर दिया, अब आगे उषा ने भी उसका स्वागत किया, ये हीरो का हार लेकर आए, मतलब उसकी बुद्धि। यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि ईश्वर ने ज्ञान दिया हमें। जब भी प्रकाश की बात की जाती है मतलब ज्ञान दिया जा रहा है। अब आगे, जगे हम लगे जगाने विश्व। देखो आगे फिर वही आगे कि जगे हम मतलब कि सुबह हो गई, हम जाग गए, लेकिन कौन सी सुबह? अज्ञान दूर और ज्ञान मिलने लगा हमें। तो जब ज्ञान मिला तो क्या हुआ, हम जागने लगे। इसलिए इंडिया को कहते हैं विश्वगुरु। सबसे पहले ज्ञान मिलना शुरू हुआ था, फिर हमने ऑल ओवर दी वर्ल्ड ज्ञान को बांटा था। हिस्ट्री पढ़ सकते हो आप। तो जगे हम, तो हमें नॉलेज हुआ, फिर हमने पूरे विश्व को, ऑल ओवर द वर्ल्ड को, हम जितना ज़्यादा दे सकते थे नॉलेज हमने दिया। लोक में फैला फिर आलोक, और फिर पूरे विश्व में, विश्व को लोक भी बोलते हैं, तो उस पूरे में क्या फैला, फिर आलोक फैला। आलोक मतलब प्रकाश। तो यहाँ प्रकाश का मतलब क्या हो गया, नॉलेज। तो नॉलेज पूरे विश्व को हमने दिया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। जो आकाश में मतलब कि पूरी दुनिया में जो अंधेरा फैला हुआ था, मतलब अज्ञान जो फैला हुआ था, उसको हमने दूर किया। पुंज मतलब जो ढेर सारा, अलॉट। तो जो ढेर सारा अज्ञान, अंधविश्वास, याद रखो सिर्फ इंडिया में नहीं था ये, बहुत सारी कंट्रीज़ में भी था, आज भी बहुत सारी जगह पे है, कुछ भी करते रहते हैं। तो वो सब नष्ट किया, किसकी वजह से हुआ, ज्ञान की वजह से। अज्ञान को ख़त्म किया हमने सबसे पहले, और फिर आर्थिक संस्कृति हो उठी अशोक। और जो पूरा संस्कृति मतलब पूरा वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया, पूरा संसार क्या हो गया, वो जाग गया। और जो शोक थे, शोक अर्थात जो दुख थे, वो खत्म हो गए, क्योंकि ज्ञान रहेगा तभी दुख खत्म होते हैं। वैसे तो देखोगे तो दुख खत्म नहीं होते, दुख आते रहते हैं, लेकिन आप पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका, अगर आपके पास राइट नॉलेज है कि हाँ ऐसा होता है, सुख दुख चलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हमें नॉलेज हुआ और हमने सबको बांटा बाद में वो ज्ञान, और सबके दुख दूर किए। नेक्स्ट, विमल वाणी ने वीणा ली। अब यहाँ बता रहे हैं कि संगीत के बारे में। देखो संगीत कब आता है, तो विमल वाणी मतलब वाणी में, आपकी आवाज़ में, आपकी वाणी में, जीवा पे क्या होना चाहिए, मधुर, पोलाइटनेस होनी चाहिए। दिल में क्या होना चाहिए, कमल कोमल के समान, जो कमल का फूल है उसके समान कोमल, और काफ़ी फैला हुआ रहता है वो, तो वैसा बोलते हैं हृदय खिल जाता है, तो दिल खिल गया और कुछ नहीं बोलते हैं। तो दिल एकदम खिला, प्रसन्न रहना चाहिए, तब जाकर बोलता है वो। थोड़ा सरस्वती माता के बारे में भी बता रहे हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि दिल में प्यार है, सप्रीत है, दिल में कमल की तरह खिला हुआ, और वाणी पे आपकी क्या है, मधुरता है, पोलाइटनेस है। तो फिर सप्त स्वर सब सिंधु में उठे, तब आप, अगर आप प्रेम से भरे हैं, कोई मूवीज में देखते हो कि हीरो या हीरोइन को प्यार हो गया तो क्या सॉन्ग आता है, एकदम वो जाग जाते हैं, एकदम बोरियत से बाहर आ जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं। तो वैसे बोलता है कि सप्त सूर्य, जो सारे गामा पादा नहीं बोलते हैं, सानिया वापस सारे गामा पादा नहीं, ये जो सुर हैं वो जागे सप्त सिंधु में। इतनी सारी नदियां हैं यहाँ पर, नदियों के साथ सुर को ज़्यादा जोड़ा जाता है, तो इतने सारे सुर मतलब संगीत को हमने जाना फिर, तो संगीत को आप तभी जान सकते। इसलिए आज भी बोलते हैं अगर आपको डांस करना है या गाना गाना है तो पहले दिल में बहुत प्रेम होना चाहिए, फील करो उसको अंदर से। तो छिड़ा था मधुर साम संगीत। साम मतलब हमारे जो एक वेद है उसको सामवेद भी बोलते हैं, उसमें संगीत के बारे में दिया गया है, बहुत अच्छे होते हैं सॉन्ग, फटक से आप किसी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, जैसे संजू मूवी में भी दिखाया था। तो तब जाकर बोलते हैं संगीत बना, सुर जागते हैं अपने अंदर और संगीत बनता है, जब प्रेम होगा हृदय में और वाणी होगी नम्र। फिर आगे, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रहा रही धरा पर धूम। तो बोल रहे हैं लोहे, लोहा अर्थात मतलब शक्ति। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ शक्ति ही नहीं जीती, कभी कभी शक्ति भी जीत जाती है, लेकिन यहाँ पर शक्ति ही नहीं बल्कि कौन जीता,
धर्म मतलब जो सही है वो जीता। महाभारत का भी एग्जांपल ले सकते हो, मुगलों ने भी अटैक किया फिर जाना पड़ा, फिर अंग्रेज भी आए उनको भी जाना पड़ा, तो एट द एंड धर्म की जीत होती है। नेक्स्ट, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। फिर बोलते हैं जो सम्राट थे, सम्राट अशोक को ले लो, गौतम बुद्ध को ले लो, तो वो भिक्षु बन गए जो भिक्षा मांग के अपना गुजारा करते हैं, और वो घर घर जाके लोगों को दया करने लगे और दया दिखलाते हैं। मतलब जो भी जिसको जो दर्द दुख दर्द तकलीफ है वो उन्होंने घर घर जाके उनकी दूर की कि प्रॉब्लम क्या है। देखो, एक मेन प्रॉब्लम की जड़ अज्ञान ही है। जब तक इंसान को ये मत सोचो पैसा ये वो या जितनी सारी चीज़ें बोली जाती है, पहले ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान होगा तो सारे दुख दर्द दूर कर सकते हो, फिर सब कुछ कमा सकते हो, वरना नहीं। तो ये सम्राट जो थे इतने बड़े, जो जिन्होंने इतना लाइफ स्टाइल जीते हैं, वो सडनली जब ये सब चीज़ें सिखाने लगते हैं तो लोग अच्छे से सुनते भी हैं। तो वही थे, उन्होंने दया दिखाई घर घर घूम के। तो गौतम बुद्ध का एग्जांपल बहुत बेस्ट बैठता है उन्होंने, और सम्राट अशोक ने भी बाद में जब भिक्षु बन गए थे वो भी, उन्होंने भी गौतम बुद्ध को उस धर्म को अपना लिया था, तो वो भी लोगों में फैला रहे थे उस धर्म के प्रचार को कि क्या गड़बड़ होती है, किस चीज़ की वजह से इंसान दुखी रहता है, तो वो सब। फिर आगे गौरी को दिया दया का दान, ये मोहम्मद गौरी करके थे, उन्होंने अटैक किया था तो पृथ्वीराज चौहान के साथ उनका युद्ध हुआ था। तो ऐसे तो बहुत सारे युद्ध बताए गए हैं वो हिस्ट्री में, कुछ और आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ज्ञान है तो आप बता सकते हो, सो समझ सकते हो कि अटैक करते थे तो हार भी जाते थे, फिर बहुत सारी ट्रिक्स खेलनी पड़ती थी। तो गौरी को हराया भी था पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन छोड़ दिया, फिर भी मार सकते थे ना, लेकिन छोड़ दिया, दया दिखाई उसके ऊपर कि जा, लेकिन फिर जब उसने अटैक किया तो उसने मार दिया, उसने नहीं छोड़ा। तो दया भी करते थे यहाँ के राजा जो थे, ऐसा लगता है हमें बेवकूफ़ी सी, लेकिन नहीं, दया भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है दुश्मन भी है लेकिन अंत समय में आपसे प्यासा है पानी मांग रहे तो वो भी दे दो, दया बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। चीन के पास अपना कोई धर्म नहीं था तो गौतम बुद्ध ने जाकर उनको धर्म सिखाया। धर्म मतलब एक जीने का तरीका, एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में जीने का तरीका क्या है वो सिखाया। ये नहीं कि अपना धर्म थोप देने का किसी के ऊपर, नहीं, जीने का एक तरीका क्या है एक पर्टिकुलर प्लेस में, तो वो चीन को सिखाया। तो आज ज़्यादातर वहाँ पर बौद्ध धर्म का जो धर्म है वो फॉलो किया जाता है, बौद्ध धर्म जो फॉलो किया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन किया जाता है फॉलो। और मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, स्वर्ण मतलब सोने की चिड़िया कहते हैं इंडिया को, कहते थे, तो यहाँ पर रत्न मिले। रत्न मतलब जो भी अच्छे अच्छे लोग हुए थे, यहाँ गौतम बुद्ध की बात की जा रही, तो हमारे सोने की जो चिड़िया कहते हैं हमारे देश को कहते थे, तो वो वहाँ पर क्या मिला, हीरे, हीरे जैसे लोग भी मिले। और सिंह के सिंहल को भी सृष्टि, जो सिंहल मतलब श्रीलंका को बोला गया है, तो श्रीलंका को भी बोलता है वहाँ पर अच्छे से रहने के बाद, देखोगे तो कभी तंग नहीं किया, शांति बनाए रखी वहाँ पर, वरना देखेंगे तो जो पड़ोसी पाकिस्तान उधर से चाइना, कुछ ना कुछ टॉर्चर चालू रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन इनके बीच में ऐसा कभी प्रॉब्लम है आप सुना नहीं रहेगा जल्दी कि इंडिया ने श्रीलंका को कुछ टॉर्चर कर दिया, नहीं, शांति से रहो, वरना हमारे कॉर्नर में है, कितना भी तंग कर सकते, पर नहीं किया कभी भी, तो शांति हमेशा बनाए रखी। तो ये है, फिर अगली आगे का पार्ट का भी मैं बताता हूँ। ओके, इसका आगे का पार्ट, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। अगर आप इंडिया का हिस्ट्री देखोगे तो कभी भी किसी कंट्री पे अटैक करके उसको लूटा नहीं है। सम्राट अशोक ने अपना फैलाया था लेकिन तब ऐसा राजाओं का ही राज चला करता था, लेकिन एज अ कंट्री जब बन गए कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, कभी किसी को लूटा नहीं, तो छीना नहीं किसी का, इसलिए कहा गया। और प्रकृति का रहा पालना यहाँ, मतलब कि नेचर यहाँ पर हम पर बहुत मेहरबान रही है। अगर आप ध्यान से इंडिया को देखो तो बर्फ़ भी गिरती है कुछ स्टेट्स में, बारिश भी होती है सबसे ज़्यादा दुनिया की कुछ पर्टिकुलर जगह पे, इंडिया में रेगिस्तान भी है, हरियाली भी है, इतने सारे एक ओशन इंडिया के नाम से, हिंद महासागर, समुंदर भी है, नदियां हैं ढेर सारी, मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, इतने सारे फल फ्रूट वेजिटेबल सब कुछ है यहाँ पर, इसलिए कहा जाता है प्रकृति का पालना, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है इंडिया में। वो इंसान का लालच कभी ख़त्म नहीं होता है, वो अलग बात है, तो पालना ही है इसलिए कि कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रही, प्रकृति हमेशा मेहरबान रही। हमारी जन्मभूमि थी यहाँ, मतलब हम यहीं पे पैदा हुए थे, हम कहीं और से नहीं आए हैं। जैसे अगर आप अमेरिका में देखोगे तो वो जो काले गोरे का फाइटिंग चालू है वो हमेशा से रहेगा वहाँ पर, क्योंकि अमेरिका ठंडी क्लाइमेट, और ठंडी क्लाइमेट में गोरे लोग होते हैं और वहाँ पर है काले भी, मतलब ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं से आए हैं, उसको लेके झगड़ा होता रहता है, लेकिन हम इंडिया के यहीं के हैं क्योंकि यहाँ ठंडी क्लाइमेट भी है, गर्म भी है, काले गोरे सब रह सकते हैं। तो हमारी जन्मभूमि थी यहीं, तो हम यहीं के थे, मतलब भारतीय यहीं के थे, वो कहीं और से नहीं आए थे।
चरित थे पूत, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है जो पैराग्राफ है। चरित थे पूत, पूत मतलब यहाँ के जो संतानें हैं, जो बच्चे हैं वो क्या थे, लड़कों के बारे में ज़्यादातर बोला जा रहा है कि वो चरित्रवान थे, मतलब गुड कैरेक्टर्स, कुछ गलत काम नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना है, अपने काम पे ध्यान देना है। तो चरित्रवान थे, गुड कैरेक्टर थे, आज भी हैं, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। और भुजाओं में शक्ति, भुजा में क्या है, शक्ति, देख रही है शक्ति। तो भुजा में शक्ति तभी होगी जब गुड कैरेक्टर होगा, चरित्रवान होगे, सही चीज़ों पे ध्यान दोगे, और नम्रता रही सदा संपन्न। और यहाँ विनम्रता रही है, हमेशा याद रखो, शिक्षा जो है वो विनम्रता लेकर आती है, मतलब बहुत पोलाइटली बात करना किसी से भी, चिल्ला चला गया नहीं। तो नम्रता रही सदा संपन्न, मतलब नम्रता यहाँ पर हमेशा लोगों में बनी रही, विनम्र रहे, कुछ मिल जाएंगे खराब लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम अच्छे मिलेंगे, विनम्र जो संपन्न है नम्रता में, पोलाइटनेस में। आगे, हृदय के गौरव में था गर्व, और हमें अपने दिल में, अपने देश के ऊपर हमेशा, अपनी संस्कृति के ऊपर हमेशा क्या है, गर्व है, क्योंकि सही है तो गर्व है। और आगे, किसी को देख ना सके विपन्न, और ये भी है कि हम किसी को पुअर नहीं देख सके, इसलिए तो गौतम बुद्ध भी गए थे चीन में, जब इतनी प्रॉब्लम देखी, बीमारियाँ देखी वहाँ पर, हालात, तो वहाँ पर भी जाके ज्ञान बांटा, मतलब जहाँ जहाँ लगा कि भी हमें ज्ञान हुआ है तब दूसरों को भी देना चाहिए, तो किसी को हम पुअर नहीं देख पाए किसी भी चीज़ में, और उसको भी जाके गाइडेंस दिया। हमारे संचय में था दान, संचय मतलब जो लोग स्टोर करके रखते हैं, तो हमारे अंदर एक क्वालिटी है दान की, कन्यादान बोलते हैं, फिर गौदान बोलते हैं, ज्ञान दान बोलते हैं, पैसे का भी दान होता है, अन्नदान भी होता है, मतलब ढेर सारे दान है अगर आप ध्यान से अपने कल्चर में देखो तो दान हमेशा की करना चाहिए, दान वो हमेशा से रहा। और अतिथि थे हमारे सदा देव, और अतिथि जो मेहमान है उसको हम क्या कहते हैं, भगवान के समान, देवताओं के समान मानते हैं, अतिथि देवो भव बोलते हैं। तो ये संस्कृति रही है कि कोई घर पे आए तो उसका अच्छे से स्वागत करो। नेक्स्ट, वचन में सत्य, और जो कहते थे वो सत्य कहते थे, ये हमारा हिस्ट्री रही है। और हृदय में तेज, हमारे दिल में क्या है, तेज, तेज मतलब स्ट्रेंथ, दिल मजबूत भी है, और जहाँ दया करनी वहाँ दया भी करनी है। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, और प्रतिज्ञा ले लेना एक हैबिट थी, ये प्रतिज्ञा ले लेना, अर्जुन प्रतिज्ञा ले लेता था, हर हर कोई प्रतिज्ञा, भीष्म पितामह का देखोगे महाराज प्रतिज्ञा ले लेते थे, तो प्रतिज्ञा लेना और फिर उसको फॉलो करना, ओके, कुछ ऐसा डिसाइड करना और उसको फॉलो करना, फिर तो वो एक बहुत स्ट्रांग लोग ही कर पाते हैं, वरना कुछ हम एक सोचते हैं ये करेंगे लेकिन होता है नहीं, तो वो प्रतिज्ञा नहीं हुई, फॉलो करना उसको, वही है रक्त, वही है देश। अब यहाँ बूस्ट किया जा रहा है, पॉइंट जो है हमें बूस्ट कर रहे हैं यंग जनरेशन को, कि वही है रक्त, उन्हीं पूर्वजों के ही तो आ गया डीएनए आरएनए, रक्त चला आ रहा है हमारे अंदर, तो वही जोश होना चाहिए, वही साहस होना चाहिए, तो वही देश है, वही साहस, वही हिम्मत है, वैसा ही ज्ञान है, वही तो ज्ञान है, चाहे अंग्रेजों ने जितनी बुकें जला ली लेकिन फिर भी ज्ञान मिल गया, गौतम बुद्ध के द्वारा मिल गया, और भी माउथ टू माउथ मिल जाता है ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, शांति भी है, देखोगे इंडिया में कितनी शांति, जम्मू कश्मीर में क्या क्या हुआ, फिर भी शांति बनाए रखी, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर रीजन को उखाड़ के फेंक दिया, नहीं, किसी के साथ गलत नहीं किया, शांति बनाए रखते हैं, बहुत समय तक शांति बनाए रखते हैं, फिर बाद में सटकेगी तब पता चलेगा, देखिए शांति बनाए रखते हैं। और वही है शक्ति, शक्ति भी वही है, स्ट्रेंथ भी है, हिस्ट्री देखोगे तो स्ट्रेंथ बहुत रही है यहाँ पर, चाहे दिमाग की बात करनी हो, चाहे ताकत की बात करनी हो। फिर उसके बाद है, वही हम दिव्य आर्य संतान, तो वही उन्हीं आर्य का, आर्य आर्यन कहा जाता है इंडियंस को, तो आर्य संतान उन्हीं के हम बच्चे हैं आगे, तो उन्हीं की तरह हम तेजस्वी हैं, ये हमें रियलाइज़ करना है, जैसे हनुमान जी को भी रियलाइज़ करवाया था कि तुम कर सकते हो, तो ये बूस्ट करना ज़रूरी है। और फिर आ जाते हैं हम लास्ट में, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्षम। यहाँ पोइट हमें कहते हैं कि हमें अपने देश के लिए ही जीना है, मतलब कि कोई भी काम ऐसा मत करो जो देश के लिए हानिकारक हो, दूसरे लोगों के लिए हानिकारक हो, अपने हमारे देश पर कोई आँख उठा के ना देख सके, जो जरूरत पड़े अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो, वो इस स्टैंजा में बताया जा रहा है कि जिए तो सदा इसी के लिए, तो हमें भारत देश के लिए ही जीना है, यही अभिमान रहे, यही हमें गर्व रहना चाहिए, घमंड नहीं है, गर्व रहना चाहिए, और खुशी खुशी रहना चाहिए, ये जबरदस्ती नहीं, सत्य है। आगे, निछावर कर दे सर अपना सब कुछ लुटा दे, सैनिक जो अपनी जान लुटा रहे हैं, आप अपना धन लुटा सकते हो, टैक्सेस जो भरते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और हमारा प्यारा भारतवर्ष, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े अपने देश के लिए सब कुछ लुटाने के लिए रेडी रहो। तो इस पोइम में भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, हर किसी को अपने देश पर गर्व करना चाहिए, और स्पेशली जब वो देश है ही इतना अच्छा, मतलब बहुत लकी होगी आप यहाँ पर पैदा हुए हो, यहाँ पर रह रहे हो, तो देख लो ना किसी भी कंट्री में, किसी में पानी ढंग से नहीं है, किसी में ठंड बहुत ज़्यादा है, किसी में बारिश बहुत ज़्यादा है, किसी में जंगल बहुत ज़्यादा है, बाकी चीज़ें नहीं है, लेकिन इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है अगर आप ध्यान से देखो। वो महा बेवकूफ़ होगा वो इंसान जो ऐसा बोले कि नहीं इंडिया अच्छा नहीं है, मतलब सब कुछ है यहाँ पर, ठंडी से ठंडी, गर्म से गर्म जगह, रेगिस्तान भी मिलेगा, बर्फ़ भी मिलेगी, जंगल भी मिलेंगे, प्लेन एरिया भी मिलेगा, गुजरात का कच्छ जैसा प्लेन एरिया भी मिल जाएगा,
सब कुछ मतलब पहाड़ है, नदियां हैं, समुंदर है, मतलब फल है, वेजिटेबल्स है, वेज है, नॉन वेज है, क्या नहीं है मतलब यहाँ पर। और ऊपर से शांति है, संतुलन, बैलेंस जो बनाने के लिए बोला जाता है वो प्रकृति ने यहाँ पर दिया है। आपके अंदर भी बैलेंस है तभी आप यहाँ पर पैदा हुए हो, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी यहाँ पे जन्म मिला है। सो प्राउड टू बी एन इंडियन, भारतीय होने पे हमें गर्व होना चाहिए। और मेन पर्पस है पोइट का यहाँ पे खुद को बूस्ट करना, रियलाइज करो तुम कौन हो, तब जाके तुम देखो कितना आगे बढ़ पाओगे। और ज्ञान को लो जितना ज़्यादा, जिस भी ईश्वर को मानते हो, ईश्वर तो एक ही है लेकिन जिस रूप में भी मानते हो उससे सिर्फ ज्ञान मांगो, और कुछ मांगने मत बैठो, सिर्फ ज्ञान मांग लो, सब सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो टिल देन, बाय बाय।